दोस्तों, सबसे पहले एक सीधा लाइन खींचेंगे और उसके बाद इस लाइन को चार बराबर भागों में बांट देंगे। आप इस भाग का माप जितना भी रखेंगे उसके बराबर ही हर जगह माप कर आप मार्क लगाएंगे, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। ऐसे तो मैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पे मार्क लगा रहा हूँ हर जगह, और उसके ही हेल्प से इसे ड्रॉ करेंगे, इसे बनाएंगे। तो आप भी यदि जितना भी आप सेंटीमीटर का लें या 1 फीट लें, जितना भी आपको सारे भाग पे उतना ही दूरी लेना है। इस ग्राफ को बनाने के बाद मैं सारे लाइन्स की दूरी कितनी है वो मैं दिखा दूंगा। देखिए, इसे भी मैं 20 पे ही ले रहा हूँ, लेकिन इसे थोड़ा सा कम कर देंगे इस तरफ से मार्क लगा के। फिर इसे भी कम रखेंगे और सबसे नीचे में यू शेप में बनाएंगे। फिर ऊपर में यहाँ पे इस तरह से करेंगे। उसके बाद इस लाइन पे आधा पे मार्क लगाएंगे, जितना भी आपका होगा। यदि आप 30 लेंगे तो 15 पे मार्क लगा लेंगे। अंदाज से ही मैंने ले लिया है कि इसका इस लाइन का आधा कितना होगा। फिर दोनों तरफ से इस तरह से इसके पास इस तरह से मिला लेंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से। फिर ये जो बनाया, इसके बाद नीचे का जो हिस्सा है इससे थोड़ा सा मोटा रखेंगे और इस लाइन पे मिला देंगे। फिर इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से आएंगे, फिर नीचे आएंगे। उसके बाद इस तरह से आप इस लाइन के पास आकर थोड़ा सा ऊपर आएंगे। उसके बाद फिर इस तरह से ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ से स्टार्ट करके आप इसे हर समय कंपैरिजन करते रहें कि आप सटीक लाइन पे हैं या नहीं। फिर इसे इस तरह सीधा मिलाएंगे और इस लाइन पे इसे मिलाएंगे। फिर सबसे नीचे जो यू शेप में था उसे मिला देंगे। फिर यहाँ से सीधा पहले आएंगे, उसके बाद यहाँ मार्क लगाएंगे और फिर इसमें मिलाएंगे। फिर इसे इस तरह से मिला देंगे। इसके बाद तो और कुछ इसमें समझाने का है नहीं, बस कलर भरना है। तो आप इसे तो कर ही लेंगे, तो देखते हैं आगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।